हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आया हूं। तो आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले आपको 300 ग्राम मावा लेना है। मावे को आपको अपनी हथेली के निचले हिस्से से एकदम मथना, एकदम क्रीमी टेक्सचर लेकर आना है। इस रेसिपी को देखने के बाद आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाते हैं या फिर गुलाब जामुन चाशनी नहीं पी पाते। तो इसमें मैं आपको चाशनी की रेसिपी भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। जब आपका मावा टूट जाए आप उसको तोड़ दो। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेके अपना थोड़ा थोड़ा, अगर आप मथोगे तो आपका जल्दी मथ जाएगा। अगर आप पूरा मावा एक साथ मथने की कोशिश करोगे तो आपका मावे के अंदर दाने रह जाएंगे, तो वो अच्छे से मथ नहीं पाएगा। तो इसलिए आप पोर्शन में, थोड़े थोड़े पोर्शन में मावा लें, उसको अपनी हथेली से मैश करते रहें, मतलब मथते रहें और साइड में रखते जाइए। देखिए अब तो आप एकदम क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। अब हमारा मावा एकदम मथ चुका है। अब हम लेंगे पनीर। पनीर आपको लेना है 70 से 80 ग्राम पनीर लेना है। पनीर आप चाहे ग्रेट कर लें, चाहे हाथ से उसे तोड़ के उसको भी मावे की तरह हथेली से एकदम मथ दें, एकदम उसको भी चिकना करा बना दें। कोई भी आपको दाना नहीं रहना चाहिए पनीर के अंदर भी। तो हमारा पनीर भी एकदम मथ चुका है और मावा भी मथ चुका है। तो अब हम इसको आपस में मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बाइंड करेंगे अच्छे से। यह प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब गुलाब जामुन बनाते हैं, अगर आपने कभी ट्राई किए हो तो आप लोग के कभी गुलाब जामुन एकदम हार्ड बनते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिससे चाशनी नहीं पी पाते हैं, या फिर एकदम इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो जब आप इसको तलते हैं, अपने फ्राई करते हैं तेल में, तो वो वहीं पे फट जाते हैं। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर अच्छे से देखें। आपको पनीर और मावे को अच्छी तरीके से मिलाना है। कहीं आप जल्दी जल्दी कर दोगे तो कहीं पे ज़्यादा पनीर रह जाएगा, कहीं पे ज़्यादा मावा रह जाएगा, क्योंकि फिर आप जब गुलाब जामुन बनाओगे तो कई गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, कई काफ़ी हार्ड बनेंगे। तो हमारा पनीर और मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैदा आपको 6 से 8 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, आपको टेबल स्पून के हिसाब से 2-2 चम्मच लेना है और अच्छे से मिलाना है। अगर आपका मिलाने के बावजूद अगर स्टिकी हो रहा है, अगर आपके हाथ में चिपक रहा है, तो आप उसी हिसाब से मैदा मिलाएं। अगर आप मैदा नहीं मिलाओगे, अगर आप सोचोगे कि ज़्यादा मुलायम हो गए, अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर आप जब फ्राई करने जाओगे या उसको चाशनी में डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, वो वहीं पे तलने में टूट जाएंगे। तो इसलिए आपको मैदा, ये नहीं सोचना कि अगर आपने ज़्यादा मैदा डाल दिया तो आपके गुलाब जामुन में सिर्फ मैदे का स्वाद आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मैदा भी ठीक ठाक डालना है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, आपको 10 चम्मच तक डाल सकते हैं। जब आपका मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको 1/3 टेबल स्पून आपको बेकिंग पाउडर डालना है। मैं उसकी वीडियो बनाना रह गया, उसमें क्लिप रह गई है ऐड करना, तो आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें और अच्छे से मिलाने के बाद आप उसको 15 से 20 मिनट ढककर रख दें। तो उसके बाद हम बनाएंगे इसकी चाशनी। गुलाब जामुन की चाशनी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी। आपको एक बर्तन लेना है। बर्तन में आपको 3 कटोरी आपको चीनी डालनी है। चीनी के बाद आपको 2.25 कटोरी पानी डाल के हाई फ्लेम पे अपनी चीनी घोल देनी है। जब आपकी चीनी अच्छे से घुल जाए, उसके बाद आपको 3 से 4 इलायची डाल देनी है। इलायची डालने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच गुलाब जल डालें। आप आँखों वाला गुलाब जल किसी केमिस्ट से ले आएँ, अपने रेगुलर फेस वाला गुलाब जल उसमें नहीं डालें। उसके बाद आपको में 1 चम्मच दूध डालना है। दूध डालने से आपकी चाशनी एकदम साफ़ हो जाएगी और आपकी चाशनी बाद में जमेगी नहीं। इसके बाद आपको अपनी चाशनी को 1 उबाल लाना है। 1 उबाल लाने के बाद अपनी फ्लेम को लो कर दें और एकदम 2 मिनट पकने दें। उसके बाद आपकी चाशनी एकदम पककर तैयार हो जाएगी। हमारी चाशनी एकदम पककर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमें अपने गुलाब जामुन का डो लेना है। अपने डो को अच्छे से 2-3 मिनट गूँथ लें, जिससे कि अच्छे से थोड़ा और मुलायम हो जाए, अच्छे से गूँथ जाए, तो आपको गूँथ लेना है। अब हमारा गुलाब जामुन का डो एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें से छोटी छोटी बॉल्स लेनी है। आप चाहें तो 10 से 11 ग्राम की बॉल्स ले लें, अगर आपके पास वेट मशीन हो
या फिर आप एक छोटे नींबू के आकार के साइज लें और इसे अपने हथेली पे गोल गोल घुमाएं। आप ध्यान रखें कि कोई भी क्रैक नहीं आ रहा हो। इसी तरीके से आप अपने सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लीजिए। अगर आप पंखे के नीचे बना रहे हैं तो आप एक कपड़े मलमल के कपड़े को गीला करके जरूर रखें, जिससे कि सूखने पे गुलाब जामुन पे कोई क्रैक ना आए। तो इस तरीके से हमारे सारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब वक्त है इन्हें फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए या फिर घी ले लीजिए। उसको एकदम लो फ्लेम पर रखें। आपका एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे गुलाब जामुन एकदम जल्दी से हीट को पकड़ के काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको तेल अपना ठंडा ही रखना है। उसको आपको फिर चलाते रहना है। जब आप गोल गोल चलाओगे तो नीचे से वो गुलाब जामुन चिपकेंगे नहीं। आप फिर आप अपनी गैस को एकदम मीडियम से एकदम लो ही रखेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपके गुलाब जामुन रंग पकड़ते रहेंगे और आपके गुलाब जामुन एकदम पककर तैयार हो जाएंगे, उस कलर में हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। आपको इसके अंदर किसी बड़े चम्मच की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा जहावा नहीं लेना है। आप एक चमची लीजिए, चमची को तेल के अंदर गोल गोल घुमाइए। इससे क्या होगा, आपके गुलाब जामुन गोल गोल घूमते जाएंगे तेल में और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए अच्छा सा सुनहरा रंग आ चुका है। आप मतलब आपके गुलाब जामुन एकदम पक गए हैं। अब आप इसको निकाल के अपनी चाशनी में डाल देंगे। आपको चाशनी में इनको 2 से 3 घंटे डालना है, उसके बाद एकदम परफेक्ट कलर में बन के तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने गुलाब जामुन थोड़े काले चाहिए तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई कर लीजिए। अगर आपको थोड़े लाइट रंग के चाहिए इस तरीके से, तो आपको उनको थोड़ा कम पकाना है। लेकिन आपके गुलाब जामुन कच्चे नहीं रहेंगे। अगर आपका तेल ठंडा या हल्का गर्म होगा तो पक जाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए, कुछ मैंने गुलाब जामुन काले भी बनाए थे, कुछ लाइट के और कुछ मीडियम रंग के। तो इस तरीके से आप अपने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।